डिग्री शहर में गुरुवार शाम 5 बजे तक आरटीपीसीआर और रैपिड एंटीजन के कुल 16 पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आए हैं। बढ़ते कोविड-19 संक्रमण से शहर के नागरिकों और व्यापारी वर्ग की समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही है। व्यापारिक क्षेत्र के आर्थिक नुकसान के मद्देनजर व्यापारी वर्ग और नागरिकों ने BCN के माध्यम से प्रशासन से व्यवसाय के लिए अतिरिक्त समय देने की मांग की जा रही है। जब से कोरोना संक्रमण का दौर शुरू हुआ है तब से जीवन से जुड़ा हर क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ है। बच्चों के बिना स्कूलें खाली है, दर्शकों के बिना सिनेमा हॉल और शादी समारोह के बिना लॉन और मंगल कार्यालय। ठीक इसी तरह अब बाजारों में भी ग्राहकों की आवाजाही काफी हद तक प्रभावित होती नजर आ रही है। दिग्रह शहर का व्यापार क्षेत्र भी इसकी मार झेल रहा है। यही वजह है कि व्यापारी बंधु तथा शहर के नागरिकों ने अपनी समस्याओं से BCN को रूबरू कराते हुए प्रशासन से लॉकडाउन का समय कम कर व्यवसाय के लिए अतिरिक्त समय बढ़ाकर देने की मांग की है। माननीय जिलाधिकारी साहब के आह्वान से दिग्रह शहर के सभी व्यापारियों ने लगभग कोविड टेस्ट करा ली है। टेस्ट कराने के बाद भी अभी कोरोना का वातावरण, कोरोना की दहशत कम नहीं हुई है। हमारी इसी के साथ साथ प्रशासन से, जिलाधिकारी साहब से विनंती है कि मार्केट के अंदर मार्केट का टाइम 9 से 5 की बजाय 9 से 7 या फिर 9 से 9 रेगुलर नियमित रूप से कर दिया जाए। यह हमारी सभी व्यापारी बंधुओं की ओर से विनंती है। इसी के साथ साथ लोगों से भी अपील की जाती है कि आप मार्केट के अंदर आते समय सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, मास्क वापरें, सैनिटाइजर का वापर नियमित रूप से रखें। मालूम हो कि शाम खबर लिखने तक आज दिन भर में विगत 13 मार्च की 33 आरटीपीसीआर रिपोर्ट में से 6 पॉजिटिव और कोविड केयर केंद्र से रैपिड एंटीजन की 10 पॉजिटिव रिपोर्ट यानी कुल 16 पॉजिटिव रिपोर्ट हाथ आई है। मालूम हो कि शहर में कोविड केयर केंद्र और अंजुमन स्कूल के मैदान पर कोविड-19 की जाँच जारी है, जिसमें व्यापारी वर्ग तथा नागरिक स्वेच्छा से जाँच करा रहे हैं। इस संदर्भ में कोविड केयर के मैनेजर डॉक्टर अभय गोविंदवार ने टेस्ट करा चुके लोगों से सुबह 11 से दोपहर 1 बजे के दरमियान अपने रिपोर्ट अंजुमन उर्दू स्कूल नगर परिषद स्कूल क्रमांक 1 पर पहुंचकर प्राप्त करने की अपील की है। वहीं 13 मार्च तक आरटीपीसीआर के रिपोर्ट कोविड केयर केंद्र ईसापुर से प्राप्त करने का भी उन्होंने आह्वान किया है। दिग्रह शहरामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी होत असलेल्या कोविड चाचणीमुळे लोकांमध्ये एक भ्रम निर्माण झालेला आहे आणि दुकानदाराबद्दल जे एक प्रचार होता है कि बा या दुकानाला सील केलेला आहे, अशामुळे लोकांमध्ये भीती वाढलेली आहे आणि ह्याच्यामुळे दिग्रसच्या मार्केटवर खूप परिणाम होत आहे। मी प्रशासनाला एवढीच विनंती करतो की त्यांनी लॉकडाऊनचे संपूर्ण नियम पाळून सोशल डिस्टन्स। नमस्कार, जे व्यापाऱ्यांनी आपली तपासणी रॅपिड टेस्ट कुठं गावात केली असेल त्यांचे रिपोर्ट अंजुमन उर्दू शाळा म्हणजे नगर परिषद शाळा क्रमांक 1 व 5 याच्या पटांगणामध्ये मिळणे सुरू आहे आणि त्याची वेळ दुपारी 11 ते 1 पर्यंत आहे। आणि ज्या लोकांनी ज्याची आपली तपासणी म्हणजे ट्यूबमध्ये म्हणजे आरटीपीसीआर असं ट्यूब हातामध्ये दिली असेल आणि ते तपासणी केली असेल त्याला आरटीपीसीआर तपासणी म्हणतो। आणि हे तपासणी जर केली असेल त्या 13 तारखेपर्यंत ज्यांनी तपासणी केली असेल 13 तारखेपर्यंत आपला रिपोर्ट आलेला आहे आरटीपीसीआरचे, त्यांचे सगळे रिपोर्ट कोविड सेंटर ईसापूर इथे वितरित करण्यात येत आहे आणि त्याची वेळ आहे दुपारी 1 ते 3 पर्यंत। धन्यवाद। कुल मिलाकर दिग्रह शहर में व्यापारी वर्ग ने कोविड-19 शिविरों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए प्रशासन को सहयोग दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि जिला तथा स्थानीय प्रशासन भी अब शहरवासियों, व्यापारी तथा ग्राहक वर्ग की अपेक्षाओं को पूरा कर व्यवसाय तथा उद्योग के लिए बाजार का समय बढ़ा कर देगा। BCN न्यूज के लिए दिग्रह से जुबैर खान की रिपोर्ट।